नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं 2022 उद्यमी योजना का नया वैकेंसी के बारे में। पेपर में भी सुर्खियां बटोर रहा है, इसलिए मुझे लगा कि इस पर बात किया जाए। इस पर आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि 2022 में उद्यमी योजना का कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आपको पता है कि 2021 का भी पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब जो नेक्स्ट होगा, जो जिनका वेटिंग लिस्ट में है वो भी अप्लाई करेंगे, तो उनका लिंक कब जारी होगा या जारी कर दिया गया है, तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। और जो हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर बीएसटी ऑल टिप्स सर्च करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर जाइए। प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम डाउनलोड करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे सर्च करनी है बीएसटी ऑल टिप्स, बीएसटी ऑल टिप्स सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको एक ग्रुप होगा, बीएसटी ऑल टिप्स का ग्रुप होगा, एक चैनल होगा। तो चैनल को या ग्रुप को, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हमसे जो भी वहां पर पहले जो वीडियो बनेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा, सबसे पहले वहां पे मैं डाल दूंगा। और ख़ास बात यह है कि उद्यमी योजना से रिलेटेड कम से कम मान लेते हैं इसमें 70 ही आदमी में मानिए, चाहे 10 ही आदमी मानिए, अगर वहाँ पर एक जैसे लोग अगर बात करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जितने भी लोग हैं पहले से, जो पुराना वाले हैं, जो नया वाले हैं, वहाँ पे अपने बात करते रहते हैं, तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसलिए आपके मैं हित के लिए कह रहा हूँ कि बीएसटी ऑल टिप्स जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम है वहाँ पे आप ज्वाइन कर जाइए, ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज होगा वो आपको मिलता रहेगा। और आज मेरा तबीयत कुछ ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। लेकिन चलिए आज के इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। खास कर मैं इस पर और चर्चा करूँगा कि बहुत से लोग हैं कि घूस के धुन में हैं, बहुत से बिचौलिए लोग घूमते रहते हैं, तो उन दलाल के फेरा में नहीं पड़ना है। आपको टोटली अपने से खुद से ऑनलाइन करनी है, खुद से पैसा होगा। क्योंकि हम अपने जो 2-3 साल से मेरा जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ कि एक भी रुपया इसमें खर्च नहीं होता है। टोटली आपको ऑनलाइन करके छोड़ देनी है। जो जो मैं स्टेप आपको बताऊंगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है और क्या आपको करना चाहिए, तो पूरा आप हमको फॉलो कीजिएगा, तो 100% जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं UDY ध्यान दीजिएगा, UDYAMI.bihar.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। चले आने के बाद एक आपको लिंक करके यहाँ पर दिया हुआ है, रजिस्टर कर के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, जो ही मैं लिंक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा, या डायरेक्ट आप लिंक पर आने के लिए UDYAMI.user.bihar.government.in सर्च करेंगे। जो भी आपका ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र है, चाहे जो भी मोजिला ब्राउज़र है, कोई भी एक ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अभी तो नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी नया जो वैकेंसी 2022 का नहीं है, रहता तो यहाँ पे रहता कि न्यू यूजर करके रहता है, या डोंट हैव यूजर, या फर्स्ट टाइम यूजर करके वहाँ पे रहता है। तो वो जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी क्या क्या चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, चलिए उत्तर उपयोगकर्ता पुस्तिका है, पहले मैं उसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद आपको मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि एक डेमो के तहत आपका हो जाएगा कि कैसे भरा जाता है। खुद आप अपने मोबाइल से, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप खुद अपने हाथ से, अपने मोबाइल से घर बैठे सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर यूजर है वो उपयोगकर्ता पुस्तिका है, मैं उसको डाउनलोड कर लिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जानकारी, फॉर्म कैसे भरे हैं, तो पंजीकृत करने की पूरा प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है।
और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन योग्यता क्या है, आपका टेंथ पर है कि टेंथ प्लस टू पर है कि ग्रेजुएशन पर है, तो सारे सर मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आधार कार्ड में जो पंजीकृत जो फ़ोन नंबर है वही मान्य होगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आप मोबाइल नंबर को लिंक करवा लीजिए। लिंक करवाने के बाद यहाँ पे जो रजिस्टर आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। जब आधार कार्ड में जो लिखा गया जो नंबर है वो और जो वही डालना है। इसके बाद जो आवेदक के जो प्रकार है यहाँ पर देख रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा जो भी आप कैटेगरी में आप आते हैं तो इस पर आप इसमें सेलेक्ट कर लेना है। OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे, OTP आपके मोबाइल पर जाएगा और वो OTP यहाँ पर डाल देना है। तो जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा जानकारी फॉर्म कैसे भरे। इसके अंतर्गत आपका आएगा कि OTP सत्यापित करने की प्रक्रिया पर आ जाएंगे और अपने फ़ोन पर जो OTP गया है वो OTP को यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो जो भी OTP आपके मोबाइल पर जाएगा वो OTP यहाँ पे डाल देना है। तीसरा प्रोसेस आपका हो जाएगा लॉगिन करने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे आ जाता है लॉगिन करने, जो आप आधार नंबर पर पंजीकृत किया है वो आधार नंबर यहाँ पे डालनी है, मोबाइल नंबर जो OTP है जो गया है मेल या मेल आईडी पर भी जो पासवर्ड जो भेजा गया है वो पासवर्ड डालना है। अब आपके पास तो हो सकता है कि जो फर्स्ट टाइम होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि खाता नहीं है तो यहाँ से आपके खाता संख्या रजिस्टर करें, खाता नहीं है तो यहाँ रजिस्टर करें, इस पे क्लिक करेंगे तो वो नया वाला जो यूजर होगा उस यूजर जब आप पहली बार आप लॉगिन करना चाह रहे हैं साइनअप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद जो व्यक्तिगत जानकारी होगा जो इसमें जो देख रहे हैं कि सारा का सारा जो स्टेप आ जाएगा वो जैसे शिक्षा हो गया, पारिवारिक विवरण हो गया, संगठन का विवरण हो गया, परियोजना विवरण हो गया, वित्त विवरण, बैंक विवरण, दस्तावेज अपलोड और सेटिंग। इतना काम आपको करनी है, खुद अपने से करनी है, किसी भी दलाल के फेरा में नहीं पड़ना है। दलाल लोग क्या करेगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट ले लेगा, लेने के बाद अपने मोबाइल से या लैपटॉप से खुद वो ऑनलाइन करके छोड़ देगा और जब आएगा तो लिस्ट में नाम आएगा तो उसका जय जय है, नहीं आएगा तो भाई फिर वो क्या करेगा, फिर कहेगा कि रुको रुको। फिर फिलहाल अभी वही हुआ है, अब जो जिसका हो एक बार में हो गया है तो उसका तो जो मंगनी में वो पैसा ले लिया। कम से कम जो दलाल है आप ये कमेंट में बताइएगा, अगर आप इंजॉय खूब लीजिएगा, जब ये दलाल आएगा कि कहेगा कि वो उद्यमी योजना के अंतर्गत ऐसे ऐसे है तो जब ये कहेगा कि 10 लाख का हम लोन करवाएंगे तो पूरा पहले इंजॉय लीजिएगा, पहले पूरा बात इंटरेस्ट लीजिएगा भाई क्या है नहीं है, और उसके बाद उसको कहिएगा रुक न भाई कि तोरा हम एक पता चलाते हैं, हाँ तब हमको कहिएगा, हम उसको तो ऐसे ऐसे बात करेंगे भाई। देखिए तो यहाँ पर वैवाहिक स्थिति है वो यहाँ पर आ जाएगा। आवेदनकर्ता का पता यहाँ पे जो भी होगा आपका अपना पता है वो पता सही सही भरेंगे और थाना जो भी डिस्ट्रिक्ट है पिन कोड है और स्टेट तो बिहार ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। आवेदक का आधार नंबर यहाँ पे डालनी है, मोबाइल नंबर डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है और जिस भी जाति से आप आते हैं तो मान लेते हैं कि युवा उद्यमी आप के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो युवा उद्यमी तो सेलेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जिस भी जाति से आप आते हैं ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कास्त वर्णबाल ठाकुर जाट अदर जो भी कैटेगोरी इस कैटेगोरी के अंतर्गत जिस भी जाति से आप आते हैं उस जाति को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक भी गलती कीजिएगा दोबारा फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, इसमें एडिट भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब भी मैं वीडियो डालता हूँ उस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, उसके बाद मैं पूरा आपको मैं बताता हूँ। इसके बाद एक भी मिस्टेक आप नहीं करें, बिना गलती किए हुए आप भरिए, आपका सफलता निश्चित मिलेगा। और जो भी शैक्षणिक योग्यता है ITI डिप्लोमा इंटरमीडिएट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट PhD वो डाल देने हैं। इसके बाद शिक्षा का विवरण फॉर्म कैसे भरें, इसके बाद जो शिक्षा का विवरण में यहाँ पे
आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन आप किए हैं, ग्रेजुएशन न भी है फिर भी आप डाल सकते हैं, और या हो सकता है कि ITI आपके पास है तो दीजिए, अगर नहीं है फिर भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ ओनली 10+2 होना ज़रूरी है, इंटर किया हुआ होना ज़रूरी है। और उम्र की मैं बात करूं तो 18 से 50 वर्ष उम्र होना चाहिए। इसके बाद यहां पर जो शैक्षणिक योग्यता है आप अपना से भर लेंगे, पारिवारिक विवरण फॉर्म पर आ जाएंगे। पारिवारिक विवरण में जो आवेदक का परिवार का विवरण है उसमें आवेदक के व्यवसाय का, जिस भी आप व्यवसाय जो करना चाह रहे हैं तो व्यवसाय का प्रकार, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी तो मजदूरी कर रहे हैं, कि स्वरोजगार में हैं, कि कृषि कर रहे हैं, कि बेरोजगार हैं या अदर, तो ज़्यादातर यहाँ पर बेरोजगार भरते हैं तो अनएम्प्लॉयड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो मुख्य पारिवारिक व्यवसाय है तो आपके परिवार में जो गार्जियन है, गार्जियन कौन काम करते हैं वो सेलेक्ट करनी है। यदि यहाँ पे एक है कि देखिए ना, अगर हो सकता है कि सरकारी जॉब में है, अगर सरकारी जॉब में है फिर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सरकारी जॉब में है, देखिए सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता और आवेदक से संबंध लिखें, तो सरकारी जो गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं वो लोग भी इसमें अप्लीकेबल है, वो लोग भी इसमें डाल सकते हैं। और सरकारी जॉब में है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर हाँ करते हैं तो पूरे जितने भी विवरण होगा सरकारी जॉब से रिलेटेड वो यहाँ पे सारा का सारा डालना है। अब संगठन का विवरण में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो संगठन का विवरण में यहाँ पे नहीं कीजिएगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हर हाल में हाँ करना है। यदि कंपनी पंजीकृत नहीं है तो आपका फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा आपका कंपनी रजिस्टर हो या नहीं हो। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हाँ कर लीजिएगा, जब आपका सिलेक्शन में नाम आ जाएगा तो बाद में भी आप अपने कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं उद्योग आधार पे जा करके। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उद्योग आधार सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, प्लेलिस्ट में जा करके सारा का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप हो गया, LLP हो गया, तो इसमें ज़्यादातर लोग प्रोप्राइटरशिप डालते हैं। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि खुद आप जो बिजनेस है उस ऑनर आप खुद हैं। अगर दो हो सकता है कि एक बिजनेस के लिए दो चार आदमी अगर ऑनर है तो LLP आप जो लाइसेंस है वो ले सकते हैं। और जो LLP लाइसेंस है ये सब फ्री होता है, ठीक है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पे हो जाए हम आपको कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका बिजनेस आप करना चाहते हैं सारा का सारा एक PDF है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ कि हो सकता है कि नोटबुक के बारे में हो, चूरी लट्ठी के बारे में हो, जो इसमें से जो है सिलेक्ट उसी के आधार पर सिलेक्ट करना है, ना कि अपना मन से किचो लेके डाल दीजिएगा। तो ये इसमें जो दिया हुआ है सेम टू सेम वही डालनी है। इसके बाद परिवार परियोजना के लिए जो ज़मीन है उसका पहचान हो गया है, हो गया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके बाद परियोजना के लिए ली गई ज़मीन के बारे में जो वर्ग मीटर में दे दीजिएगा, और वहाँ पे पूरा अब आइए वित्त विवरण फॉर्म, खाता के बारे में, तो खाता के बारे में जो भी होगा वो खाता के रिलेटेड आप दे दीजिएगा। खाता के बारे में जो है ना करेंट अकाउंट होना चाहिए, करेंट अकाउंट आपका हो सकता है कि कंपनी के नाम से हो या एक आपका खुद अपने नाम से भी चलेगा, लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि कंपनी के नाम से ही, जिस भी आप कैटेगरी का कंपनी आप शॉप खोलना चाह रहे हैं फॉर्म के नाम पर ही खाता खुलवा लीजिए, ठीक है। वो यहाँ पर देखिए ये ट्रांजेक्शन ID यहाँ पर डालनी होती है, ये जो दो अंक का जो लास्ट में दिया गया है वो ट्रांजेक्शन ID होता है, तो वो ट्रांजेक्शन ID लास्ट में जो रहता है सेम टू सेम वहीं डालनी होती है। अब एक दस्तावेज अपलोड में देखिए कौन कौन चीज़ यहाँ पे ले रहा है, दस्तावेज क्या क्या चीज़ लग रहा है, यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, मैट्रिक
मैट्रिक दसवीं पास जो भी होना सर्टिफिकेट, जिसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जन्म तिथि होना अनिवार्य है, इंटरमीडिएट हो गया, यहाँ पे संस्था इकाई का प्रमाण पत्र हो गया और निजी जो पैन कार्ड हो गया, इसके बाद जमीन के दस्तावेज हो गया और आवेदक का कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो देना है, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता में नहीं होता है कौशल वाला, केवाईपी वाला, वो अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और कैंसिल चेक होना चाहिए, आवेदक का प्रोफाइल फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, और इसके बाद सबमिट करने से पहले डेटा को अच्छी तरह से जाँच लेना है। यहाँ पर जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा जितने भी आप भरे रहिएगा, फिलअप किए रहिएगा, वो सारा के सारा फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा। वो मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेता हूँ। इसके बाद अगर कोई यहाँ पे गलती है तो उसको एक चांस आपको अभी फ़िलहाल दे रहा है, इसके बाद सबमिट करने के बाद कोई चांस नहीं है, एक बार करेक्शन अभी कर सकते हैं। इसके बाद जो टिकअप है उसको मैं टिकअप कर दूँगा और उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जो ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपका एक फाइनल प्रिंट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेट आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट इसका काम नहीं करता है तो स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। तो देखिए, पिछले बार जो 2021 में आया हुआ था, जून 2021 के आसपास आया था, तो मेरा भी अनुमान अभी यही चल रहा है कि अभी जो कोरोना के कारण कुछ डिले हो रहा है, अभी 2021 वाला का कुछ फाइनल करेगा तो उसके बाद फिर बजट निकाला जाएगा। जैसे पिछले बार बजट निकाला था कि 200 करोड़ पर प्रत्येक जितने भी चारों है, चारों उद्यमी योजना में 200 करोड़ था, और उसको बाद में चार इको योजना है 200 है, तो मानिए ना तो 8000 लोगों को सिलेक्शन करना था, तो दुगुना करके इस बार 2021 में 16000 लोगों को चयन किया है। अभी 2022 में 16000 को ले रहा है कि 8000 को ले रहा है, जब क्लियर ये अभी नहीं क्लियर किया है कि 8000 को लेगा कि 16000 को लेगा, लेकिन जब एक फाइनल बजट आ जाता है तैयार होकर के, अपलोड जब होगा वेबसाइट पर, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा कि इस बार जो कितना लोगों को चयन लेगा 2022 के लिए। तो 2022 के लिए अभी फ़िलहाल तो इतना समझिए कि मात्र जो 8000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा और 8000 लोगों का ही के लिए ही फाइट करना पड़ेगा कि कितना फॉर्म आता है उसके लिहाज से काम होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर बहुत सारा बात होता रहेगा, तो जो भी छोटा छोटा मैं वीडियो लेकर के मैं आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।